काम किया। इस तरह का अनादर भगवान श्री शिव के साथ में, उनके शिवलिंगों के साथ में जो किया तो किया ही, तोड़फोड़ की तो की, लेकिन मंदिर के अंदर घुस के भी तोड़फोड़ कर दी। वहां पर जो प्राण प्रतिष्ठित मूर्तियां थी, माँ पार्वती की मूर्ति, बिन पार्वती शिव जी कैसे रह सकते हैं? पार्वती को ही हटा दिया वहां से, पार्वती को हटा करके उनकी प्रतिष्ठित मूर्ति थी। आप सब लोग भी गए होंगे, हमारे तरह कई बार किया गया था, और अभी के नहीं सैकड़ों वर्षों से तो उनके अंदर प्राण प्रतिष्ठित किए जाते हैं। आपने उनको वहां से उठा लिया, तोड़ दिया, वहां से उठा ले गए, और अब वहां भोले शंकर के दो गेट गेट में अंदर भी मूर्तियां थी, उनको भी हटा दिया। अब अगर बचे हैं तो सिर्फ वहां भगवान श्री भोले शंकर बचे हैं, और उनको कब उठाएंगे ये पता नहीं। उसके बारे में भी कोई ना कोई सोच होगी कि इनको भी यहाँ से कहीं हटा करके दे जाएंगे, वरना सब का पूरे परिवार को हटा दिया, सबको ले गए। ये कैसे धर्म के लोग हैं, ये कैसे धर्माधिकारी लोग हैं, ये वाराणसी के नाम करके आज वोटों की बात करते हैं तो वाराणसी को बड़ा कर रहे हैं। वाराणसी के शहर में हम तो 3 दिन से हैं, एक भी ऐसी गली, एक भी ऐसा स्थान नहीं मिला जहां पर कह सके कि वृंदावन की तरह वाराणसी में भी कुछ काम हो गया, कुछ नहीं हुआ। और सिर्फ हजारों करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं, 90 करोड़ रुपए वहां की न्यास समिति जो थी, और ये न्यास समिति कोई ऐसे नहीं, 1983 का कानून बना था, उस कानून के तहत में न्यास समिति बनी थी, और वहां का रुपया खर्च करने की ताकत और शक्ति और बजट बनाने का सिर्फ न्यास समिति के पास शक्ति थी उस अधिनियम के तहत। इसलिए अधिनियम के तहत ये काम ना हो सके, वो विरोध होगा, तो इसलिए इन्होंने कॉरिडोर के नाम से एक बना दिया कुछ, और ऐसे ही एक बना करके सारी चीजें उसमें समर्पित कर। और न्यास समिति का कोई अध्यक्ष पिछले 2 वर्षों से नहीं, कोई मेंबर नहीं, इसीलिए उनसे कोई पूछने की जरूरत नहीं। 90 करोड़ रुपया उनका पास था, 90 करोड़ रुपया न्यास समिति के पास था, 90 करोड़ रुपया पता नहीं कहाँ खर्च कर दिया, कहाँ ले गए, और सिर्फ 5-6 करोड़ रुपया बचा है, वो भी बहुत जल्दी कहीं ना कहीं उठा करके और खर्च करने का काम करेंगे। इस तरह से वाराणसी के वहां पर स्वरूप को ही बदलने का काम, वहां की आस्था जो हम लोगों की जुड़ी है, जिस तरीके से वहां पर जाते हैं लोग दर्शन करने के लिए, तो वो अब आस्था ही खत्म करने का इन्होंने कार्यक्रम शुरू कर दिया, उसको एक पर्यटन स्थल का रूप देने की इन्होंने शुरुआत कर दी। हम लोगों ने भी अपनी सरकार में काम किया, हमने आप लोग वृंदावन गए हो नहीं गए हो तो जाके देखिए, 13 वर्ष पहले हमारी सरकार थी, वृंदावन हम गए थे, वृंदावन तो हमेशा ही जाते रहते थे, लेकिन वहां की व्यवस्था को देखो तो सीवर लाइन भी नहीं है, पानी की पीने की लाइन नहीं है, और क्या बताएंगे। तो हमने वहां पूरे वृंदावन में सीवर लाइन डलवाई, पूरे वृंदावन में पानी की लाइन डलवाई, कई कई किलोमीटर की जो पूरी परिक्रमा की जो सड़क होती है उसको बनवाने का काम किया, फुटपाथ उसके साथ में बनवाया, कच्ची परिक्रमा करने का काम किया, यहाँ से लेकर वृंदावन से लेकर गोरन जाते थे, 100 बेड का आधुनिक अस्पताल वहाँ बनवाने का काम किया, बिजली को जिससे 15 दिन बनी हुई थी सरकार, और अपने हाथ में कानून लेने का काम किया था, तो बहन मायावती जी ने अपने घर से बुला करके बड़ी हथकड़ी लगा करके और जेल भिजवाने का काम किया था, और 5 साल तक रखने का काम किया था। किस तरह से आज महिलाएं सुरक्षित हैं, बहन मायावती जी का राज याद करिए, रात के 12 बजे भी अगर किसी बहन बेटी को बाहर निकलने की जरूरत होती थी, वो डरती नहीं थी, हिचकती नहीं थी, वो जान अपने काम के लिए निकल जाती, वो जानती थी किसी की हिम्मत नहीं है, मजाक नहीं है, उसकी तरफ गलत निगाह डाल ले, क्यों? क्योंकि उसको ये मालूम था कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बहन मायावती जी हैं। और इसलिए इन बातों को ध्यान में रख करके 2022 में अब की बार इकट्ठा होकर के और ब्राह्मण समाज को जो उसका अपमान हुआ है उस अपमान का बदला लेने का वक्त आ गया है। भाईचारा बनाइए, सब समाज को एक साथ लेके चलिए, जो ब्राह्मण समाज का धर्म भी है और उसका कर्म भी है, और वो एक साथ लेकर के फिर से भाईचारा बना करके सब जन की सरकार बनाने के लिए, सब जन होता है और सब जन सुखाई की सरकार चलाने के लिए अब की बार सन 2022 में 5वीं बार बहन मायावती जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करिए, और इस प्रदेश को सही रास्ते में लाने के लिए अपना योगदान देने का काम करिए।